इल्जाम लगाया कि जो तुम दोष ला रहे हो बाला साहब अस्पताल बारे वो सारे बेबुनियाद है तो उन्होंने एंट्री भी जी इतने बैन कर दी कि कोई बादल दल का बंदा उत्थे नेड़े नहीं फटक सकता। देखो सब तो पहले जो गुरु कृष्ण महाराज का स्थान है कोई भी गुरु का सिख हो किसी के मत्था टेकन से एंट्री बैन नहीं कर सकता क्योंकि परमजीत सिंह सरना जो है वो अपने दिमाग की जो उपज है वो खो बैठा है वह बावला हो गया उन्हों आग दिखती पी है आने वाली इलेक्शन के जो जमीन है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को 32 लाख की मिली सी 7.5 एकड़ जगह तो बाबा हरबंस सिंह ने उत्थे लोगों के पैसे नाल कार सेवकों के पैसे नाल उत्थे अस्पताल बनाया। जब अस्पताल बन के तैयार होया तो इसने वो अस्पताल मणिपाल ग्रुप को दे दिता। असी सरना तो पूछा भाई ये अस्पताल तू क्यों दिता है कहना मेरी मर्जी है मैं जो कुछ मर्जी करा। असी क्या जो वे फैसले होंगे ये दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी जनरल हाउस है वो होंगे कहना मैं कोई जनरल हाउस की परवाह नहीं करता। असी क्या भाई जरा ये तू एग्रीमेंट किया वो दिखा इन्हें वो एग्रीमेंट भी सामू नहीं दिखाया। असी कोर्ट में मूव करता अज 4.5 साल हो गए हैं केस लड़दा होया ये झूठ बोलता है कि मैं केस असी हार गए कोई केस नहीं हारे है एक होर असी एप्लीकेशन पा दी है 3 तरीक की जिनी डेट लगी है हाई कोर्ट के बिल्कुल झूठ बोलता पाया ये बेबुनियाद का झूठ है ये भ्रष्टाचारी इतना बेनकाब हो चुका है ये हूँ सारी एंट्री बैन क्यों करेगा जी करके दिखाए एंट्री बैन असी गुरुद्वारे मत्था टेकन जाते हैं कोई किसी की एंट्री बैन नहीं कर सकता। अगर ये एंट्री बैन करेगा इन मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा अगर उत्थे कोई अंदर बंदा घुसया तो असी बाहर आत्मदाह करांगे और उत्थे दी जो दिल्ली की संगत है और उस इलाके की संगत है वह बिल्कुल नाल है इनू अंदर बिल्कुल घुसन नहीं दिता जाएगा। तो उन्होंने थोड़े उत्ते दोष लाया कि तुम हूँ तो जरा अपना गुरु की गोलों से 9 करोड़ रुपये बर्बाद करते हैं अगर ये अस्पताल पहले चालू हो जाते अब 9 करोड़ की आमदन गुरु की गोलों की हो चुकी होनी 29 करोड़ रुपया इन्हें जो मणिपाल को लिया है ये जो बंदे है इन्हों एक है ट्रस्ट गुजर खान ट्रस्ट जोड़ा सोनीपत के इन्होंने जगह ली थी लैंड यूज चेंज करवाया बुढ़े को उस तो बाद इन्होंने मणिपाल के नाल एक गुप्त समझौता किया हम भाई थानू असी अस्पताल देंगे तुम सा गुजर खान ट्रस्ट के नाते उत्ते अस्पताल बनाओ ये इन्होंने जेडे भेद से जोड़ा इन्ह दलों वो ज संगत अगे उजागर हो गई और अज ये जो 29 करोड़ रुपया मणिपाल का है पहले इन्होंने वो डकारिया हूँ 25-30 करोड़ रुपया इन्होंने 2 नंबर च लैके वो डकार गए हैं ये वड्डा वड्डा डाकू हैगा ये वड्डा डकेत है जिसने गुरु की गोलक न लुट के आया जी और अज गुरुद्वारा बाला साहब की जो हॉस्पिटल है उन्होंने खंडर बनाया ऐसे डकेत न ऐसे चोर न जिसने गुरु की गोलक न लुट के और जो गुरु का अपमान किया इस बंदे ने अज जो उत्थे अस्पताल बनना से उन्होंने रुकाया ऐसे बंदे नू इलेक्शन दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलेक्शन है उदे जिन्हों बेनकाब करेगी।